हेलो 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 फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अमेजिंग सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स यूनिवर्स। आई होप यू आर ऑल फाइन एट योर होम एंड वी आर एंजॉयिंग दिस ऑनलाइन लेक्चर्स। सो गाइस, टुडे आवर टॉपिक इज पैरामैग्नेटिज्म। सो प्रीवियसली वी स्टडीड अबाउट डायमैग्नेटिज्म, देयर इज द वन कंडीशन फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल। सिमिलरली हियर वन कंडीशन फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड दैट कंडीशन is chi is equal to chi is must be positive or and it is small value। तो वो एक तो पॉजिटिव होना चाहिए और स्मॉल वैल्यू होनी चाहिए। सो उससे डिसाइड होगा कि मटेरियल पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, अब सपोज के मैंने एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल लिया, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो विदाउट व्हेन नो फील्ड इज गिवन टू दिस पैरामैग्नेटिक मटेरियल एट दैट टाइम देर आर मैग्नेटिक मूवमेंट्स, देर आर परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट्स विच आर रैंडमली सिचुएटेड। सो सब मैग्नेटिक मूवमेंट्स रैंडम डायरेक्शन में होंगे। क्लियर? फिर हम क्या करेंगे कि इसको जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल, इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देंगे। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा कि सारी फील्ड लाइंस अंदर से पास थ्रू हो जाएगी। व्हाई? बिकॉज हियर काई इज पॉजिटिव। सो काई इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड कैन मूव इनसाइड आल्सो इन पैरामैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। डायमैग्नेटिक में क्या था, नेगेटिव था, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेल्ड हो जाती थी, बाहर से निकल जाती थी, तो यहाँ से अंदर से जाएगी। सो हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नली दे दिया। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर देने के बाद ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स हैं वो सारे के सारे डायपोल मोमेंट्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, सारे एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। सो एट दिस पर्टिकुलर टाइम वेन एवर वी गिव एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एट दैट टाइम वी गेट सम अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन एज वेल सम अमाउंट ऑफ नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब इसकी बात करें तो अभी इसका जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है इट विल बी जीरो, बिकॉज सब रैंडमली डायरेक्शन में सिचुएटेड है। तो रैंडम डायरेक्शन, तो सबका एल्जेब्रिक सम करेंगे सो दैट विल बी जीरो, बट यहाँ पर सब कुछ अलाइन होने वाला है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सब कुछ अलाइन होगा, एक ही डायरेक्शन मिलेगा, दैट्स वाई हियर वी गेट मैग्नेटाइजेशन और we can say that net magnetic moment। clear? so this is paramagnetic। अब paramagnetic के कुछ examples है, calcium, sodium, oxygen, but ये सारे के सारे at standard temperature pressure होने चाहिए। clear? so these are the example of paramagnetic materials। then we are talking about now what are the consequences of temperature on this material। तो टेम्परेचर से कैसे चेंज होगा, तो दैट इज दैट प्रॉपर फिनोमिनन इज गिवन बाय क्यूरी साइंटिस्ट, एंड क्यूरी जस्ट गिव्स वन इक्वेशन, दैट इज एम इज इक्वल टू सी बी बाय टी। सो मैग्नेटाइजेशन टेम्परेचर से कैसे अफेक्ट करेगा, तो इफ टेम्परेचर इज मोर मैग्नेटाइजेशन इज लेस। तो टेम्परेचर को हमें क्या करना है, सपोज कि हमें मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन चाहिए, तो एक तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो और टेम्परेचर उसका घटा दो, देन वी गेट मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन। क्लियर? फिर आ जाएगा एक सैचुरेशन, कि उसके बाद मैग्नेटाइजेशन बढ़ने वाला नहीं है। तो उस टाइम पे सैचुरेशन कब होगा, मतलब कि मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन कब मिलेगा, तो सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स है, जब वो कम्प्लीटली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। क्लियर? फिर उसके बाद आता है काई इज इक्वल टू सी म्यू जीरो अपॉन टी। सो दिस बोथ फॉर्मूला इज गिवन बाय द क्यूरी साइंटिस्ट, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड क्यूरीज लॉ। क्लियर? सो क्यूरी had given the relation between magnetization, external magnetic field and temperature as well। clear? so
दैट्स द पैरा मैग्नेटिज्म. थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग माई वीडियो लेक्चर्स टिल द एंड. दैट मीन्स अ लॉट टू मी. थैंक यू वेरी मच.